हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी, जय माँ अनवासी। देखिए, मैं सुबह 4 बजे तक पूजा की सुबह उठ भी गई, क्योंकि अब बगलामुखी की 7 दिन पूजा है तो इतना सोना होना होगा नहीं। मेरी तो आदत, मैंने आपको पहले ही बताया, मैं सुबह 4-5 बजे सोऊँ तो भी, मैं सुबह, मेरी आदत है, मैं सुबह उठ ही जाती हूँ 8-9 बजे, क्योंकि सुबह सुबह काम धंधे का टाइम रहता है। दूसरी बात, कल रात को मैंने बहुत गुस्से में वीडियो बनाई थी तो मेरे को प्रियंका का फ़ोन आया, माँ आप प्रेग्नेंट हो, आपको इतना हाइपर होना आपके और बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। तो मैं प्रियंका को एक ही बात बोलूँगी कि बेटा, जहाँ पे दिल पे चोट लगती है ना, वहाँ पे बोलना ही पड़ता है। सच बोलती हूँ मैं। देखिए, मैं है ना, मैं, मेरी बातें सबको थोड़ी बोरिंग लगती होगी, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, ये बातें जो सच है सच है। मैं एक माँ हूँ, मैं पेट, अभी मैं 14 साल बाद प्रेग्नेंट हुई हूँ, लेकिन मेरी एक 18 साल की बेटी है, अब भी 18 साल की हुई है। हमारे में यूपी में शादी बहुत जल्दी हो जाती है, आप लोगों को शायद यकीन नहीं होगा, मेरी शादी 16 साल में ही हो गई थी, 20 साल में तो मेरी बेटी हो गई थी। तो छोटी उम्र में शादी होने के बाद एक्चुअली वो दिन घूमो, फिर अचानक से आज मेरी बेटियां हैं। मेरा वीडियो बनाने का बस यही मकसद था कि जो दुश्मन है, जिन्होंने हमारा बिगाड़ा है, उनको उनकी सज़ा देनी ज़रूरी है। मैं सच बोलती हूँ, मैं प्रियंका को एक ही मैसेज दूंगी कि बाबू, गलत, एक माँ होती ना, जैसे भी मेरे पेट में केशो है, जितना प्यारा मेरा केशो है ना, उतना ही प्यारे मेरे 3 बच्चे हैं। ये अभी आया नहीं है, वो 3 पहले आ चुके हैं, मुझे उनकी सेफ्टी, आप लोग को शायद पता नहीं है, इतनी बुरी तरीके से जो मुझे दिया जाता था ना, मतलब जितने की आदत नहीं थी, जैसे किसी को कहते ना कोल्ड ड्रिंक पीने की आदत है, उसको शराब पीने की आदत डाल दो, उस तरह से मुझे ज़बरदस्ती दिया जाता था, मतलब कमाने का जरिया बना लिया था। मेरे 1 साल वेस्ट हुआ है काम में, काम में करती थी, लेकिन उस तरह से 24 घंटे मंत्र करती थी, नादे अली वो सब, ये भगवान की, मेरी माँ बगलामुखी की कृपा है कि मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ। ये बगलामुखी जयंती में ही हुआ था ये हाल उन लोगों का, आप यकीन नहीं मानोगे। मेरी माता रानी ने मेरा साथ दिया, नहीं तो मेरी 2 जवान लड़की थी। केशव के पापा को ये बात समझ में नहीं आती, जब मैं बोलती हूँ ना उनको गुस्सा आता है, सच बोलते। और दूसरे लोगों को एक बात बोलूँगी, जब कल वीडियो में मैंने नाम नहीं लिया है, तो केशव के पापा को फ़ोन करके टारगेट नहीं बनाने का, उनको कुछ सच नहीं मालूम है, उनको समझ में नहीं आता है। मेरे को ये कहा जाएगा कि हम किससे भी बात करें चलेगा, नहीं, किससे भी बात करना है करो, मेरे लिए मना नहीं, लेकिन मेरे से कांटेक्ट रख के मेरे से भीख मांगी है। मैंने आज अपने वकील से बात की है, सुबह सुबह ही मेरे वकील को मैंने कहा है कि सबको घसीटो अब, क्योंकि मेरे वकील ने यही कहा, मैडम मैं आपको उस वक्त भी बोल रहा था कि मत करो ये लोग की मदद, ये लोग लायक ही नहीं है, उसको सब मालूम है, वो भी यहाँ पे बचपन से रहा है, समझे। मैंने सिर्फ केशव के पापा के लिए मदद की, यहाँ तक कि ये नाम डाला जाता है कि सब कुछ केशव के पापा के कहने पे किया गया। मैं बोलती हूँ चलो ठीक है, केशव के पापा ने इसलिए बोला होगा कि उस वक्त किसी उस वक्त आरिफ जैसे आदमी ने उसको हटा दिया था, तो घर पे आने के लिए रास्ता वो देखना चाहता था कि सच में मेरी बीवी मेरी है कि नहीं, नहीं तो उसको अपनी बीवी के पास आने के लिए, अपने घर पे आने के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं। वो तुम्हारे ज़रिए क्यों मुझसे पैसे वैसे मंगवा के अपनी हेल्प करवाएगा, पैसा उसका, बीवी उसकी, घर उसका, क्या ज़रूरत है उसको, बच्चा उसका, तुम्हारे से क्यों मांगेगा। लेकिन एक जरिया था, एक जरिया बनाया था, तुम्हारी भी मदद किया, जरिए में उसने अपनी मदद नहीं किया, सारा कुछ तुम्हारे जरिए किया, तो थोड़ी शर्म आनी चाहिए। कोई ऐसा नहीं कि हर पैसा लेके खुद खाया, सारे पैसे कैसे कैसा हिसाब किताब तुम्हारे पास था। क्या बोला जाता था मुझे मालूम है, मुझे बोला जाता था नहीं नहीं भाभी आप मुझे पैसा दिया करो, उसको पैसे संभालने नहीं आते, वो चूतिया एक नंबर का, क्या वो चूतिया एक नंबर का ऐसे बोलते था वो, उसको ना अक्कल नहीं है, समझे, ऐसा बोलता था। और क्या बोलता था, क्या रे तू क्या डरता था इतना आरिफ से, मारना चाहिए था एक चमाड़ खींच के, इतना क्या डरता था। और आज खुद मिला हुआ है। देखो मेरे लिए ना सबसे बड़ा चीज़ क्या मालूम है, मुझे केशव के पापा का तो ध्यान है, लेकिन मुझे अपना ध्यान है। मैं एक औरत हो के 2 बच्चों के साथ थी, मैंने देखो एक बात बताओ, सच की लड़ाई ना बहुत बेकार होती है। सच की लड़ाई में तो मैंने अपने खुद के घर वालों को नहीं छोड़ा था, उनको रोड पर नंगा कर दिया था जब उन्होंने मुझे आदमी छोड़े थे मारने के लिए। सच की लड़ाई में मैंने अपने पति से तलाक ले लिया, जो कि आज भी झूठ नहीं बोलूंगी, मेरे बच्चों से कहीं ना कहीं उसको पछतावा हो रहा है कि मैंने ये गलती क्यों की, क्योंकि बैठ के खाने मिल रहा था ना, तो गलती, आज वो गलती एहसास करता है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, वो गलती एहसास करता है। डेली स्टेटस रखा जाता है, गाने रखे जाते हैं, लेकिन नहीं, विद्या देवी ने थूक के कभी नहीं चाटा है, मैं थूक के चाटने वाला काम नहीं करता। और दूसरी बात, मुझे बात गुस्सा इस बात का है कि जो दुश्मन हमारे हैं वो दुश्मन नहीं थे, उनको तो भाई की जगह दी थी, लेकिन उन दुश्मनों ने मेरे साथ जो बुरा किया है, हमारे घर पे नज़र रखते थे, केशव के पापा को मारने के लिए छोड़े थे, बहुत कुछ कर दिया था,
और सबसे बड़ी गुनहगार तो वो है, मैं आज बोलती हूँ, सबसे बड़ी गुनहगार केशव के पापा की बीवी है। मैं उसका नाम नहीं लूंगी, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी सब जानते हैं। मैं तो सोचती हूँ, क्योंकि देखो आरिफ शेख पे मैंने केस किया है, 15-20 केस किया है, मानहानि का, ये वो टॉर्चर केस सब किया है। उस केस का दो था, उसका केस का जब पुलिस वालों ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया तब हम लोग ने कोर्ट में फाइल किया। कोर्ट में 2 तारीख निकल चुकी है और दोनों तारीख पे बंदा हाजिर नहीं हुआ है। 3 तारीख पे उसको बकायदा उस पर समन निकलेगा, उसको शायद ये बात पता नहीं है। मेरा वकील ना बहुत अच्छा काम करता है और मेरे वकील को मैंने कहा है, जो भी हो सबको घसीटो, काला ढोसा हो, केशव के पापा की बीवी हो, कोई भी हो, सबको घसीटो, पूरे ग्रुप को घसीटो। क्यों? मैं, आप लोग को लगता होगा कि ऐसे क्यों बोलती हूँ, मैं एक दिन की कहानी बताती हूँ। मैंने बोली जून की बात बताती हूँ। जून में मुझे एक कॉल आया सुबह 8 बजे, मुझे कहा जाता है, मैडम मुझे ना एक काम करवाना है। मैंने क्या? बोलती मेरा एक बॉयफ्रेंड है, मुझे भी मार्च तक कह रहा था मैं तुझे घर में तेरे से शादी करूँगा। वो एक लड़की से प्यार करता था, मुझे बताया था उसने उस लड़की से प्यार करता है, लेकिन उस लड़की ने उसको वादा किया था कि मैं तुम्हारे घर के बीच में कभी नहीं आऊँगी, तुम शादी कर सकते हो, क्योंकि वो लड़की भी शादीशुदा थी, ऐसे बोलती है। बाद में अचानक से उसने अपने पति को छोड़ दिया और अभी फिलहाल वो 2-3 महीने प्रेग्नेंट है। क्या है? 2-3 महीने प्रेग्नेंट है। जून की बात है, सुबह 8 बजे, मुझे पता थी वो किसकी आवाज़ है, मैं नाम नहीं लूँगी, मुझे पता थी वो किसकी आवाज़ है। मैं बोलने वाली थी, तुम ये बोल रही हो क्या? बोलती तो मैंने बोला तुम क्या चाहती हो? बोलती नहीं मैडम आप समझ नहीं रही है, वो औरत ना कॉलगर्ल है। तो मैंने बोला कि वो औरत कॉलगर्ल बोला गया, इनडायरेक्टली मुझे बोला गया। बोलती वो औरत कॉलगर्ल है, आपको पता नहीं है, उसके पति ने भी बात बताई है कि वो बाबा जी के पास जाती है, ये जाती है, वो जाती है। तो मैं बोली आप क्या चाहते हो? तो बोलती मैं चाहती हूँ कि औरत पीछे हट जाए। तो मैंने बोला और बच्चे का क्या? तो बोलती बच्चा क्या पता किसका होगा। मैंने बोला एक बात बताओ, अगर एक कॉलगर्ल औरत रहेगी तो आपके पति के बच्चे को पैदा करने के लिए अपना शरीर क्यों खराब करेगी, और बच्चे का क्या होगा? तो बोलती पता नहीं बच्चे किसका। बोली तो ठीक है ना, बच्चे का डीएनए टेस्ट करवा लेंगे, अगर डीएनए टेस्ट में आपके पति का निकला, मतलब आपके होने वाले पति का निकला, तो बोलती अरे मैडम आप समझ नहीं रहे, उसने फ़ोन रख दिया। उसके बाद मैंने मालूम वीडियो बनाई थी कि मैं मानहानि का केस कर दूँगी, ये सब फालतू मेरी छोड़ करने का नहीं। वो कौन था वो आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं, मुझे आप समझ गए होंगे। मैं केशव के पापा को एक बात समझाती हूँ, समझते नहीं है। आप सोचो मेरा रिश्ता मुश्किल से 1.5-2 साल का है, मैंने उनको 1 साल में पापा ना दिया। आज मैं इस बच्चे को लेके जंग लड़ रही हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी हो, हॉस्पिटल नहीं जाती हूँ, जंग लड़ रही हूँ उनके लिए, अपने बच्चे के लिए। लेकिन वो बात उनको समझ में नहीं आती। लेकिन एक बार आप लोग से एक बात शेयर करो, एक बात बताओ, उनसे उसकी बीवी का रिश्ता 7 साल का है। 7 साल के बाद, 5 साल के बाद उनको एक छोटा बच्चा हुआ, 5 साल के बाद 6ठे साल में एक छोटा बच्चा हुआ, 5 साल वेट करने के बाद एक बच्चा हुआ। और एक मुसलमान आरिफ शेख जैसा आदमी उसको पूरी इन्फॉर्मेशन देता था वो औरत को 11:30-12 बजे की, इस वक्त एक तेरा पति मैडम के साथ है, बात करे तो फ़ोन कर। वो बराबर फ़ोन करती थी, उसी वक्त फ़ोन करती थी। मैंने 50 बार हिंट दिया कि देखो ये बातचीत चालू है। उस औरत ने कभी ये बात बताना ज़रूरी नहीं समझा कि देखो मुझे इस आदमी का फ़ोन आ रहा है, ऐसा ऐसा आपके बारे में बोल रहा है, क्या बात, अगर ऐसा कुछ है तो हटो, या उसे कभी आने की ज़रूरत नहीं समझी। 7 साल का रिश्ता था ना, और ऊपर से 5 साल बाद बच्चा हुआ था, कितना रहता है। ये बात उस औरत ने नहीं सोचा कि वो आदमी तुमको तो चढ़ा रहा है, प्लस तुम्हारे आदमी को ब्लैकमेल कर रहा था कि अगर तू मेरे बोलने पे नहीं चलेगा, मैं जैसा बोलता हूँ तू वैसा नहीं करेगा, तो मैं तेरी बीवी को सब बता दूंगा, तेरी बीवी आत्महत्या कर लेगी, ये कारण था, समझे। उस तरह से वो ब्लैकमेल करता था, फ़ोन लेता था, ये करता था, चेक करता था। लेकिन उस औरत ने कभी नहीं सोचा कि मैं 5 साल बाद माँ बनी हूँ, मैं 7 साल का मेरा रिश्ता है, मुझे अपने पति को बचाना चाहिए। उसके बाद भी पति हमेशा ये डरता था, उस चक्कर में पति और नशे में चला गया, ये बात मुझे केशव पापा ने खुद कहा है, मैं उस डिप्रेशन में और नशा लेने लगा कि अगर उसको कुछ बोल दिया तो मेरे बच्चे का उसका क्या होगा। हालांकि उनको कुछ पता ही नहीं था ना कि वो तो मैडम जी पहले से सब कुछ जानती है। मैं 50 बार बोली उससे सब कुछ बात हो रही है, क्यों? मुझे हमेशा आरिफ बताता कि मेरी बीवी और मैं हमेशा उसकी बीवी से बात करते हैं, हमेशा व्हाट्सअप पे चैटिंग चालू रहती है। बताओ, वो पढ़ी लिखी है, कोई गवार नहीं है, वेल सेड है, अगर चाहती तो झगड़ा करने आ सकती थी कि अरे क्या है मेरा पति है, नहीं आई वो, समझे। मुझे तो चलो जो मेरे साथ तो हुआ तो नशे की दुनिया में हुआ, लेकिन वो आ सकती थी, मुझे बचा सकती थी, मेरी जवान बेटियों को बचा सकती थी। मेरी बेटियों के साथ तो कुछ हुआ नहीं, बात बोल रही, बचा सकती थी वो कि नहीं नहीं ये लोग अच्छे, बोल सकती थी अपने पति को कि मैडम तक ही मैडम तक मैसेज पहुँचाओ कि ये लोग अच्छे नहीं है। नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। उसके बाद उसने क्या किया सोचो, उसने बाद उसने क्या किया, केशव के पापा ने उसको बरोबर, मैं आज भी फिर से ये बात बोलूँगी, 17 मार्च को उसको सुबह 9 बजे कॉल किया, मैडम जी क्या बोल रही मालूम है, उसको पता था कि केशव के पापा मेरे साथ है। उसने रहा क्या बोला सुबह मालूम है 9 बजे, क्या बात है रात भर सोए नहीं हो क्या, क्या बात है रात भर सोए नहीं हो क्या, झोपला नहीं का,
तो केशव के पापा ने रो रो के सारा बात बताया, क्योंकि उसको नशे में थे, उसको उनको 3 दिन से वो सोए नहीं थे। उन्होंने रो रो के सारा बात बताया कि मेरे को ऐसा ऐसा टॉर्चर कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। आप ये बात बताओ, अगर आप अपने बीवी या पति को ये पूरी बात बताओगे, क्या करेगा आदमी? अगर तुम पढ़ी लिखी हो तो सबसे पहले तुम पुलिस स्टेशन जाओगी। पुलिस स्टेशन चलो जाने में डरती हो इज्जत के लिए, तो अपने माँ बाप को बताओगे, अपने भाई को बताओगे, एटलीस्ट अपने सास ससुर को बताओगी कि भीमनगर से वो लोग दौड़ के आए, उसको मारें, पकड़ें। आदमी रो रहा है, दोपहर तक रो रहा है, मैं फ़ोन कर करके थक रही हूँ, मेरे सामने आके रोके बोलता है मैंने बीवी को सब बता दिया, बीवी को सब बता दिया। ये मैं आज क्यों बता रही हूँ? क्योंकि अब बहुत बड़ा एक्शन होने वाला है। मैं ये क्योंकि मेरा वीडियो मैंने सुना है, बोरीवली पुलिस स्टेशन पूरी देखती है, तो बोरीवली पुलिस स्टेशन को प्रूफ दे रही हूँ कि अगर कभी पकड़ना तो इस औरत को तो बिल्कुल मत छोड़ना, इसको तो चप्पल चप्पल से मारना। कि जब आपको ये सारा खेल पता था तो आपने क्यों नहीं किया? आदमी को मरने के लिए छोड़ दिया, उसके बाद भी आदमी मरने पर डाला, आदमी पे केस हो गया 307 का। अगर मैं नहीं होती तो वो अभी तक जेल में होता और तुम अब तक मायके में होती। और सबसे बड़ी बात, काला ढोसा, सरस्वती जैसी औरतें जो कि कॉलगल है, देह व्यापार करती है वो, मालूम है आपको? पकड़ी गई वो यहाँ पे पूरे भीमनगर में से उसको भगाया गया क्योंकि वो देह व्यापार करती है। मैं खुला बोलती हूँ, उसको मेरे पास प्रूफ है। उसको पूरे एरिया में जब पता चला कि वो ऐसा गंदा काम करती है तो उसको एरिया से हटाया गया। आप सोचो, उससे इनकी बीवी बराबर बात करती थी, केशव के पापा की बीवी बराबर बात करती, मतलब केशव के पापा ने 50 बार बात बोला था कि उस औरत से बात नहीं करना, लेकिन नहीं, तुम्हारी उतनी क्या चाहती थी? क्योंकि मेरे पास आज भी एक वीडियो है, उस वीडियो में जब हम सरस्वती पे बैम, जब मैं सबकी वीडियो डाल रही थी सबके घर की, तो सरस्वती जब लड़ाई करने गई थी तो सरस्वती जबरदस्ती केशव के पापा के घर पे चली गई थी। वहाँ पे केशव के पापा की बीवी खड़ी है और उसके साइड से लड़ रही है। पूरी वीडियो में देखो आप, मेरी बेटी बोल भी रही है कि अरे आपके पति के साथ ऐसा किया और आप उसके लिए लड़ रही हो, तो भी वो बोलती क्या है, मतलब कोई शर्म नहीं। अगर वो वीडियो में डाल दूँ यूट्यूब पे तो आप लोग उसको गाली दोगे। सोचो ऐसी औरतें होती हैं जो पति के लिए काल होती हैं, क्या फ़ायदा? मेरा गुस्सा बस इसी चीज़ का है जिंदगी भर का। कॉलगल मुझे बोला गया, बच्चेलन मुझे बोला गया, मेरे बेटे को नाजायज बोला गया। अपने बेटे को देखा कभी? DNA टेस्ट करवाया? अगर मैं करवा दूँ तो? अगर एक बात बताओ जीत, मैं सच्ची बोलती हूँ, अगर मैं जीत पे आऊँ और मैं बोलूँ कि मेरे को भी, भाई मेरे को इसने बोला है मुझे भी DNA टेस्ट करना है, क्या करेंगे? और अगर गलती से केशव के पापा का ना निकला तो मैं तो फिर क्या करूँगी, जानते हो आप लोग। मैं खुला बोल रही हूँ आज, क्योंकि आज मेरा गुस्सा है, मेरी माँ बगलामुखी का दिन है। क्योंकि देखो, मुझे केशव के पापा से किसी से कोई लेना देना नहीं, मुझे मेरे घर से मतलब है, मेरे साथ गलत हुआ है। ये बात मैं सिर्फ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि ये सच सबको बुरा लगता होगा कि ये अपनी पर्सनल बातें क्यों बताते। ये पर्सनल बातें ही यूट्यूब तक जब जाती है ना तो लोगों तक पहुँचती है। मेरी आईडी है, मैं कुछ भी बोल सकती हूँ। ये बातें बोरीवली पुलिस स्टेशन तक जाती है, ये बातें लोगों तक जाती है। और मेरे आज वकील को मैंने कहा है, मेरा वकील भी पूरा ईमानदारी से पूरा तैयारी कर रहा है वो, कि उसको क्या करना। बोला मैम आप टेंशन मत लो, अब की बार को तारीख में जब आएंगे कॉल रिकॉर्ड चेक होगा, सब होगा। मेरा कहना ये है कि अगर अर्धांगिनी आधा अंग होती है, पत्नी का पुण्य पति को मिलता है आधा, पति का पाप पूरा पत्नी को भोगना पड़ता है। अगर तुम्हें सब पता था पहले से तो तुमने क्यों नहीं बोला? सबसे बड़े, मैंने आज ही केशव पापा बोले, सबसे बड़ी गंदगी तुम्हारे घर में है। कल की बात बताती हूँ मैं, कल की क्या, 2-3 दिन पहले की भी। केशव पापा अभी आजकल ना थोड़े अलग हो गए हैं, उनको गंदगी बर्दाश्त नहीं होती, झूठा खाना नहीं खाते वो, जो किसी के पहने हुए कपड़े भी, जैसे मेरे बेटे ने एक दिन उनकी टोपी खरीद के, नई नई टोपी आई थी ऑनलाइन, तो मेरे बेटे ने टोपी पहन ली तो बोलते जा तू रख ले, मगर उनको टोपी नहीं चाहिए। अब वो मेरे लड़के ने पहन ली ना, तो वो पहना हुआ चीज़ उनको नहीं चाहिए। फिर एक दिन वो लोग खाना खाने बैठे थे तो मेरे बच्चे ने कहा कि अंकल आधी रोटी आप खा लो, तो बोले नहीं नहीं मुझे नहीं खाना है, मतलब बहाना मार दे कि मुझे चावल खाना है, मतलब मुझे झूठा नहीं खाना है, जो कि वो अपना झूठा खाना मुझे देते, मैं पूरा खाती हूँ, ये बात सुनो। उसके बाद कल हुआ कि चादर पड़ी थी तो गलती से, वो डॉगी है ना मेरे घर में, तो सुसू पे गिर गए, तो मेरी काम वाली को बोलते हैं कि अरे ये सुसू भी गिर गए, इसी को ऐसे रखेंगे, उसी को ओढ़ेंगे, कैसा लगेगा? तो मैंने कहा कि आप कौन से अंबानी के घर पे रहते हो, आखिर रहते हो तो चौल में हो ना, तो अगर हम लोग ऐसे कपड़े फेंकने लगेंगे तो कैसे चलेगा? तो मैंने धीरे से उनको कहा कि प्रभु आप इतना, आपको ये सब इतना बुरा लगता है, आपको ये छोटी सी गंदगी इतनी बुरी लगती है, सबसे बड़ी जूठन तो आपके घर में है, आप जूठा नहीं खाते हो, पहना हुआ कपड़ा नहीं पहनते हो, गिरी हुई चीज़ें नहीं उठाते हो, तो सबसे बड़ी गिरी चीज़ तो आपके घर में, तो भी आप उसके साथ रहते हो, उठते बैठते हो, खाते हो, सच जानते हुए भी कुछ नहीं बोले। तो ये होता है सच। मैं यही बोलूँगी कि जो मेरे साथ जुड़े हैं, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा है, लेकिन ये है कि जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया उनके साथ बस मत घूमो, बाकी बात ख़त्म। उनके साथ मत घूमो क्योंकि वो गलत हैं, जो मेरा घर बर्बाद कर सकते, लोगों का घर बर्बाद कर सकते, तुम्हारा भी घर बर्बाद कर सकते, बस बात ख़त्म। बाकी समझदारी तुम्हारे पास है, समझ आए तो ठीक, नहीं समझ आए तो आपकी मर्जी। जय माता दी।